हेलो फ्रेंड, तो मैं आपको KBPY का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस साल हुआ था 2021 में। मैं फेस का पेपर डिस्कस करूँगा। देखिए, ये 11th क्लास का पेपर है, स्ट्रीम एसे, हेल्ड ऑन 31 जन 2021। ठीक है, तो मैं फेस का क्वेश्चन ला रहा हूँ। देखिए, पांचवा फिजिक्स, इसमें क्या रहा है? देखिए, माउस, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ माउस जंप ऑफ फ्रॉम द 15th फ्लोर ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग एंड लैंड 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, एज्यूमिंग दैट ईच फ्लोर इज 3 मीटर हाइट। द हॉरिजॉन्टल स्पीड विथ विच द माउस जंप टू क्लोज टू। ओके, तो देखिए, तो मैंने इसमें क्या किया, द ईच फ्लोर इज 3 मीटर हाइट। तो अगर एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर है, एक फ्लोर की हाइट अगर 3 मीटर है, तो 15th फ्लोर है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 45 मीटर हो जाएगी फ्लोर्स की। तो टोटल हाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 15 इज 45 मीटर, और माउस को हॉरिजेंटली वो जंप करता है, हॉरिजेंटली जंप करता है और 12 मीटर की दूरी जाता है। तो पूछ रहा है कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी। तो हम क्या पता करेंगे, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो ये सॉल्व होगा वाई डायरेक्शन से। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, टाइम इज व्हाट? इट इज अंडर रूट 2h/g का हेल्प ले सकते हैं। अगर इनिशियली वाई में वेलोसिटी 0 है, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो टाइम इज व्हाट, टी बराबर अंडर रूट 2h की जगह पे क्या लिखेंगे, 45, एंड डिवाइड बाई जी इज 10, तो वैल्यू इज 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में ये यहां से यहां तक आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 12 है, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 12 इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u इनटू टाइम इज 3, देन u इज 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर समझने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस वैल्यू इज 72/5, इट इज अप्रोक्सीमेट 14.4 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट 15। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कंसिडर द टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग देयर रेशियो ऑफ रेडियाई इज 2:1। द टू वायर आर स्ट्रेस बाय द इक्वल फोर्स, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन दिस। तो मान लो इस वायर का रेडियस 2r है और इसका रेडियस मान लो r के बराबर है, और इक्वल फोर्स लगाया गया। देखो, द टू वायर स्ट्रेस बाय द इक्वल फोर्स, ई बी फोर्स एफ है, ई बी फोर्स एफ है। तो अगर एक साइड में मैं इसको फिक्स कर दूं और दूसरे एंड से एफ से खींचू, और दूसरे को भी एक साइड फिक्स करके एफ से खींचू, तो स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। तो फोर्स एफ अपॉन दिस एरिया इज पाई इंटू 2r² इस वाले पे, और इस वाले पे क्या होगा, स्ट्रेस s2 इज फोर्स अपॉन πr². तो s1 अपॉन s2 का रेशियो 1/4 आ जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिख रहा है। इसके बाद इस पे आता है, इसमें कह रहा है कि सबमरीन हैज द विंडो, इस सबमरीन है सपोज करो, इसमें एक विंडो है जिसका एरिया है, आप पढ़ लीजिए इसको, 30 x 30 cm ऑन सीलिंग एंड डेप्थ इसका 100 मीटर दिया गया है सी लेवल। ई परसुइंग इनसाइड द सबमरीन मेंटेन द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो इज, करेक्ट, इस विंडो पे कितना फोर्स लग रहा होगा अगर सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है, और अगर ये सी लेवल है तो ऊपर जो है वो भी एयर है, तो उसका भी प्रेशर पी नॉट है। तो मान लो ये सबमरीन है, सपोज करो इसी कैसे बोल दो, दिस वन इज द सबमरीन, मेरे हाथ सबमरीन है, क्लोज्ड है सबमरीन है, अंदर का प्रेशर पी नॉट है और ऊपर का जो सर्फ जहाँ पे एयर है सी लेवल पे, वहां का प्रेशर पी नॉट है। हाइट जो एच है वो 100 मीटर है, कह रहा है जो विंडो इस पे कितने का फोर्स लग रहा होगा बताइए। तो क्या करेंगे भाई, इस विंडो पे कितना प्रेशर एक्स्ट्रा आया है वही तो फोर्स लगेगा इस विंडो के ऊपर। अगर इस विंडो की आप एबीडी बनाते हैं, इस विंडो की अगर आप एबीडी बनाते हैं, एबीडी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स पी नॉट इनटू ए ऊपर दिखाएंगे, और ऊपर से जो फोर्स आएगा दैट इज पी नॉट प्लस एच रो जी इनटू ए दिखाएंगे फोर्स। तो व्हाट इज नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज नथिंग बट इस फोर्स में से फोर्स घटा देंगे, दैट इज एच रो जी इनटू ए। तो एच रो जी इनटू ए, तो यही है, देखो एच 100, रो है
डेंसिटी दिया गया 1.03 10.3 एच रो इंटू जी, और एरिया इज व्हाट, एच इज 100, रो इज दिस वन, और एरिया दिया गया उन्होंने कितना दिया गया, एरिया इज 30 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 900 × 10⁻⁴ बनेगा, और जी 10 लिया, देखना मैंने क्या लिखा है। एच की वैल्यू 100, रो की वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया इतना, रो की वैल्यू इतना प्लेस कर दिया, जी की वैल्यू 10 प्लेस कर दिया, और एरिया इस इसको मीटर स्क्वायर में बदल के 30 × 30 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁴ वैल्यू इज दिस, जो कि दिख रहा है इस ऑप्शन में। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है। देखिए 19 में कह रहा है कि एक स्पेस क्राफ्ट है, एक स्पेस क्राफ्ट यू स्पीड से आता है, यू स्पीड से आ रहा है, और एक द अर्थ इन एक्स डायरेक्शन मूविंग विद स्पीड यू रिलेटेड टू द अर्थ इन एक्स डायरेक्शन, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में यू से आ रहा है, यू से आ रहा है, और एक ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मोर मासिव प्लेनेट, मच मोर मासिव प्लेनेट जो कि 3 US इधर जा रहा है उसकी तरह अप्रोच करता है, द स्पेस क्राफ्ट एग्जिट फॉलोइंग द ट्रेजेक्टरी एज शोन इन बिलो, जब ये वापिस ऐसे होकर निकलेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिंग थ्योरम है, स्ट्रिंग थ्योरम्स में आजकल यूज किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट भेजे जाते हैं जब उनके फ्यूल कम हो जाते हैं तो उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग स्ट्रिंग थ्योरी यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग दूसरे की ग्रेविटेशन का हेल्प लेके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक स्पेस क्राफ्ट इधर से आता है यू स्पीड से, और इधर से एक मासिव प्लेनेट आ रहा है, तो इसके ग्रेविटेशन का यूज करके, ग्रेविटेशन का यूज करके इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा और ये ज्यादा स्पीड से बाहर पर निकलता है, तो ये होता कैसे बताता हूँ। एक्चुअल में कुछ भी हो जाए, फर्स्ट लाइन है कि कुछ भी हो जाए, इसकी स्पीड, मासिव प्लेनेट की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका मास इतना कम है, इतना कम है कि वो इसकी स्पीड को सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज नहीं कर पाएगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज नहीं कर पाएगा, अंडरलाइन है, सिग्निफिकेंट अमाउंट चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर इस मासिव प्लेनेट की बात करूं, मासिव प्लेनेट की बात करूं, तो इसकी स्पीड टाइम के साथ क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अब अगर मैं मासिव प्लेनेट के फ्रेम पे चला जाऊं, फ्रेम पे बैठ जाऊं, इसी के फ्रेम पे बैठ जाऊं, तो मुझे ये स्पेसक्राफ्ट कितने से आता नजर आएगा इसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में ये कितने से नजर आएगा, ये 3U है, ये U है, तो ये 3U को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो, तो 3U और U दैट इज 4U, तो रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये U+3U इज 4U, इसकी स्पीड 4U हो जाएगी, 4U के बराबर हो जाएगी। अब देखो तुम्हारे फ्रेम में ये इस मासी प्लेनेट रेस्ट में आ चुका है, रेस्ट में आ चुका है, रेस्ट में आ चुका है, तो और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर काम करेगा वो इसी से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, तो इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व विथ रिस्पेक्ट टू दिस मासी प्लेनेट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाओगे तो अगर ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पाने के बाद इसकी स्पीड ऑफ v1 हो जाता है, और ये दूरी परपेंडिकुलर अगर डी है तो ये भी दूरी, अगर मैं डी दिखा रहा हूँ तो मैं क्या दिखाऊंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एम भी आर होता है, तो एम इसका मास है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, एम भी इंटू आर दैट इज डी, फिर ये इस ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम एंड दैट इज एम v1 इंटू डी, इससे v1 क्या गया, दैट इज 4u। इसका मतलब कि एक मासी प्लेनेट है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई सेटेलाइट आ रहा है यू स्पीड से, तो जब ऐसे आएगा सेटेलाइट या इसकी यू स्पीड से आएगा, यू से आएगा, तो फिर ये यू से ही निकल जाएगा, हर जगह स्पीड से नहीं रहेगी, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यू से आ रहा है, मासी प्लेनेट है, इसके फ्रेम में देख रहा हूँ इसकी स्पीड यू है, इनिशियली स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते 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 मैक्सिम होगी, फिर घटने लगी, घटते 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 फिर यू हो जाएगी, यू हो जाएगी, बट डायरेक्शन इधर हो जाएगा, दैट इज यू, ठीक है, तो दैट इज 4U, ये 4U आया क्यों, क्योंकि इस मासी प्लेनेट के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 4U है ना, तो जब इधर से निकलेगा तो ये 4U हो जाएगा, लेकिन ये 4U तो इसके रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं कि 4U, देखो मैंने इधर से 4U है, 4U से दिखाया, अब फिर इधर 4U से दिखा रहा हूं, अब पार्टिकल की स्पीड स्पेस क्राफ्ट के फ्रेम, स्पेस क्राफ्ट ना लिख के इसको आपको लिखना चाहिए, बताता हूँ, दैट इज देखिए
स्पेसक्राफ्ट की स्पीड मासिव प्लेनेट के फ्रेम, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड जो है इसकी स्पीड मासिव प्लेनेट के रिस्पेक्ट में, चूंकि स्पीड इधर है ना फोर यू का, देखो फोर यू का इधर है, इट इज माइनस फोर यू आई, और इस मासिव प्लेनेट की स्पीड कितनी है, थ्री यू इधर है, इधर इसलिए माइनस, तो मासिव प्लेनेट की स्पीड इज माइनस थ्री यू आई। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो एम से एम कटेगा, बनेगा स्पेस क्राफ्ट की स्पीड, ये फोर और थ्री माइनस सेवन यू, दैट इज सेवन यू, मतलब मैग्नीट्यूड इज सेवन यू, द आंसर इज सेवन यू। ठीक, इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरम। अब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसा क्या हुआ, भाई इसकी स्पीड यू थी, ये मासी प्लेट थ्री से जा रहा है और फिर इधर आया, फिर ये सेवन यू पा गया एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, तो एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया ना भाई, इसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई तुम्हारे अकॉर्डिंग, इसकी एनर्जी इंक्रीज कर दी, हाउ इट इज पॉसिबल, जबकि सेपरेशन इनलॉर्ज शुरू में भी है फाइनली भी इनलॉर्ज हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है स्पेशली, तो हुआ एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन स्टिल होल्ड कर रहा है, बस फर्क ये पड़ा होगा ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है और इस स्टेट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डिफरेंस कितना है, देखो तो दैट इज हाफ एम इंटू सेवन यू का स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू यू का स्क्वायर, ये इतने का चेंज हुआ, एक्चुअल में ये जो चेंज हुआ ना ये इतना ही काइनेटिक एनर्जी इस मासी प्लेनेट का घटा भी है, बट इसका घटा है लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, अगर इसका मास बहुत ज्यादा है तो स्पीड में चेंज बहुत कम होगा, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की दैट इज हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, तो मास तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब भी में हल्का सा चेंज हुआ ना, हल्का सा चेंज हुआ, हल्का सा चेंज, तो यहां पे जो के का डिफरेंस आएगा वो इसको बैलेंस कर देगा, तो एक्चुअल में इसको जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना यहां पे आते समय, वो इसी की काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज पार्ट है, डिक्रीज पार्ट है, बट वो डिक्रीज पार्ट इतना कम है, इतना कम है कि आप इस मासिव प्लेनेट के स्पीड को के वेरिएशन को नेगल कर दे रहे हैं, और मान लें कि अप्रोक्सीमेट थ्री यू है, अप्रोक्सीमेट थ्री यू है, अगर इसका मास मासिव नहीं होता, अगर इसका मास इससे कंपेरेबल होता तब आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन ना क्लियर समझ में आती, बैलेंसिंग लगती और होल्ड होता, ठीक है, तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मासी प्लेनेट के रिस्पेक्ट में स्पीड अनचेंज रहेगी, मगर इनिशियली बहुत दूरी पे है और फाइनली भी बहुत दूरी पे है, तो अनचेंज रहेगी, और ग्राउंड फ्रेम में अगर जानना हो स्पीड तो इसकी स्पीड इसमें ऐड कर देंगे, आंसर जाएगा दैट इज ठीक। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, कह रहा है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वॉज फील्ड बाई 180 डिग्री मिलियन ईयर्स एगो, द फ्लिप वॉज रिलेटिवली रैपिड एंड टेक इतना ईयर्स, द एवरेज चेंज इन ओरिएंटेशन पर ईयर यूजिंग द फ्लिप वॉज क्लोज टू, मतलब पर ईयर कितना डिग्री चेंज हो रहा है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे 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 चेंज हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर ईयर कितना डिग्री चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिटरी मेथड है भाई, 180 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना सेकंड हो गया, एंगल को मेजर सेकंड में भी किया जाता है, तो इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड घुमा कितने साल में, इतने साल में घुमा 10.7 ईयर्स में, तो पर ईयर कितना घुमा, तो इसी से डिवाइड कर दो, तो इस पूरी वैल्यू किसे डिवाइड कर दिया, आ गया 6.48, इट इज अप्रोक्सीमेट 5, अप्रोक्सीमेट 5, अप्रोक्सीमेट क्लोज टू कह रहा है, ठीक है। 21 के बाद आता है, ये कह रहा है 21, द प्लेट्स ड्रिफ्टिंग विद द ब्लड फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल आर्टरी आर्टरी एज अ शोन इन बिलो, ठीक है, तो ये आर्टरी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, इसमें यहाँ पे मान लो सुगर जम गया है, किसी को सुगर का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सुगर इंसुलिन इकट्ठा हो गया है, जम गए हैं, तो यहाँ का रेडियस, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया है, क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, ठीक है, तो जब इसमें आपके हीमोग्लोबिन्स या ब्लड्स आगे को जा रहा होगा तो यहाँ के एरिया ज्यादा है, यहाँ के एरिया कम है, तो यहाँ के एरिया कम है तो यहाँ पे प्रेशर को ड्रॉप होने की संभावना है, क्यों प्रेशर ड्रॉप करेगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या लिखते हैं, पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, तो चूंकि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो ए भी बराबर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इक्वेशन, तो अगर यहां पे एरिया कम हो रहा है इसका मतलब यहां की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर यहां पे एरिया कम हो रहा है कैटरी में सुगर जम गया ना तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी वेलोसिटी तो प्रेशर
ड्रॉप करेगा। जब प्रेशर ड्रॉप करेगा, जब यहाँ का प्रेशर कम होने लगेगा, तब तो और खतरे बढ़ गए भाई। यहाँ का प्रेशर कम होगा ना, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो इस पूरे वेसल्स को यहाँ पे और ड्रॉप करेगा। तो इसीलिए इलाज सही से करा लेना चाहिए, ठीक है, कि ये चीजें जमे नहीं ज्यादा। अदरवाइज ज्यादा जम गया ना, तो वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, इतना ज्यादा यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी कि प्रेशर बहुत ड्रॉप करेगा, तो इसको कोलैप्स्ड होने का डर है, खतरा है, ठीक है। द प्लेट इंटर इन द कंस्ट्रक्शन प्रेशर इज लोअर देयर, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा है विच आर फॉलोइंग कलरफुल पैटर्न ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो रेनबो हम इसलिए नहीं बोलने जा रहे हैं, हालांकि रेनबो में भी डिफ्रैक्शन होता है। रेनबो में क्या होता है, रेनबो में इस तरीके से होता है, रे यहाँ पड़ती है, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, तीन प्रॉपर्टीज होती है। वो सिर्फ डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मोस्ट अक्यूरेट आंसर मार्क करेंगे। व्हाइट लाइट डिस्पर्स यूजिंग द प्रिज्म, प्रिज्म में भी दो तरह से डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन नहीं है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अच्छा, दिस इज नॉट अ डिफ्रैक्शन, क्या बोल रहा हूँ, देखिए दिस इज नॉट अ डिफ्रैक्शन, देखिए। रेनबो में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है, ब्लू कलर ऑफ में स्काई में स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग। रेनबो में डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है, रे से पहुंची, फिर यहां पे, फिर यहां पे, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग होती है, कलर की स्कैटरिंग होती है, ठीक है, दैट नॉट डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग होती है। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क में डिफ्रैक्शन होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में ऐसी जो लाइनें बनी होती है, इस तरीके से लाइनें बनी होती है, इनके बीच का जो गैप होता है ना कॉम्पैक्ट डिस्क में, अरे वो जो अगर तुम उसको अब अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे सर्कुलेट लाइनेस होती हैं, ऐसी लाइन्स होती है, उनके जो बीच का गैप होता है वो माइक्रोमीटर का ऑर्डर होता है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, और उससे डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो लाइट पड़ती है उसका भी ऑर्डर अप्रोक्सीमेट इसी बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम लगभग इसी के ऑर्डर का है, तो डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन तब होता है जब वेवलेंथ और अपर्चर, ये जो बीच की दूरी है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल ऑर्डर का हो जाए, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन होता है। तो खासकर सीडी से बेटर आपको मिलेगा डीवीडी वगैरह, उसमें और भी साइज छोटी हो जाती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। ये कह रहा है द टू बॉल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी बट विद द डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल, देयर रेंज आर इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री एंड मैक्सिमम हाइट इज एस द मैक्सिमम हाइट इन अदर केसेस, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है, तो दूसरे केस में कितना होगा, 60 डिग्री फॉर द सेम रेंज। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो पहला हाइट एच है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाई जी। और दूसरा हाइट मान लो एच वन है, तो एच वन क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई जी। अब इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, तो एच वन 3 एच आ जाएगा, ओके 23 के बाद इस पे आता है। ये कह रहा है कि देखिए एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक शैम्पू का बॉटल है, देखिए फिगर्स शोस द शैम्पू बॉटल इन द परफेक्ट सिलेंडर शेप, ठीक है। ये सिलेंडर का बॉटल है और इसमें शैम्पू है। अब एक सिल्कर बॉटल को तुम ऐसे कर दे, वन सेकेंड, इसको मैं यहां पर रखता हूं, इस सिल्कर बॉटल, ये सिल्कर बॉटल है, इसमें शैम्पू का है, तो तुम उसको ना हल्का सा टील करो, हल्का सा टील करके ऐसे छोड़ दो, एकदम हल्का एंगल देना, देखना वापिस आ जाएगा, हल्का एंगल देना वापिस आ जाएगा, ज्यादा एंगल दोगे टॉपर कर जाएगा। कह रहा हूं जो मैक्सिमम एंगल है दैट इज थीटा, उस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है इस बॉटल में जो शैम्पू भर रहे हो उसके फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम के साथ। मतलब अगर तुमने कोई भी शैम्पू नहीं भरा तो फ्रैक्शन 0 है, शैम्पू आधा भर दिया तो फ्रैक्शन 1/2 है, शैम्पू को फुल भर दिया फ्रैक्शन 1 हो गया। तो कह रहा बताइए कि
कि ये जो एंगल थीटा आ रहा है, थीटा का थीटा, इस थीटा का इसमें जो फ्रैक्शन भर रहे हो ना, इसमें इसमें जो फ्रैक्शन भर रहे हो, ये जो एंगल थीटा आ रहा है इसका, इसमें जो फ्रैक्शन भर रहे हो उसके साथ ग्राफ कितना आएगा। ठीक है, तो देखो हम दो पार्ट काम करेंगे, एक की बात करेंगे खाली, एक की बात करेंगे पूरा फुल। तो ये खाली वाला पार्ट है, दिस इज द कंप्लीटली एम्प्टी है, एम्प्टी है, और ये फुल है। अच्छा, अगर कंप्लीटली एम्प्टी है तभी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होगा, पूरे का एकदम बीच में का सेंटर ऑफ मास, और ये पूरा फुल है, देखो ये पूरा फुल है तभी भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा, फुल है। तो बताया ये सब कुछ टिल्टिंग सेंटर ऑफ मास की वजह से होता है। अब ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, ये जो एंड है, इस एंड के इस सेंटर ऑफ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन के इधर चला गया तो टिल्ट कर जाएगा, और इस वर्टिकल लाइन के इधर है तो नहीं टिल्ट करेगा, रुका रहेगा वहां पे। ठीक है, या वापिस आ, नहीं रुका नहीं देखो, वापिस आ जाएगा अगर सेंटर ऑफ मास इधर आ गया तो, और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसी लाइन पे आ गया तो वो जस्ट रुका रहेगा इस लाइन पे आ गया तो। ये जो सेंटर ऑफ मास में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर होना चाहिए, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो जब पूरा इम्पटी है तभी भी सेंटर मास यहीं पे होगा, और जब पूरा फूर हो जाएगा तभी भी सेंटर मास वहीं पे होगा। क्यों भाई? लिक्विड का सेंटर ऑफ मास वहीं पे, और जो खाली वैसेल है उसका भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे, तो दोनों कॉइंसाइड कर गए ना, समझो। ये खाली वैसेल है, ये खाली वैसेल है, ये लिक्विड है, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा ना, यहीं पे होगा। और अगर ये पूरा लिक्विड हटा देता तभी भी सेंटर ऑफ मास नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या है? इनिशियली और फाइनली ये जो थीटा आना चाहिए ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट सेम, इनिशियली फाइनली थीटा अप्रोक्सीमेट सेम होना चाहिए। दूसरा, बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा, जब इसमें तुम वाटर भरोगे ना, जब इसमें शैम्पू तुम भरोगे, शैम्पू भरोगे, तो खाली वैसल का सेंटर ऑफ मास, खाली वैसल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? यहाँ पे था, यहाँ पे था। और जब शैम्पू भर दोगे तो शैम्पू का भी तो मास आ गया, मास आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो पूरे सिस्टम का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो किधर शिफ्ट करेगा? ये है, और इस पूरे शैम्पू जो भरे हो उसका सेंटर मास यहाँ पे आ गया, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इधर पे आ जाएगा ना, इस इधर पे आ जाएगा, इधर आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके और इधर आ गया, और इधर इस वर्टिकल जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इस वर्टिकल लाइन के थोड़ा सा इधर आ गया, पहले वर्टिकल लाइन पे था, अब कुछ शैम्पू भरे हो, थोड़ा सा भरे हो तो उसका मास आ गया इधर, जब उसका मास इधर आ जाएगा तो भाई ये वाला तो मास ज्यादा ही है कंपेयर टू इधर वाले मास से, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इस वर्टिकल लाइन में ये वाला पार्ट का मास, ये वाला पार्ट का मास देखना, इधर वाला मास ज्यादा है तो सेंटर मास इधर कहीं आएगा, और ये यहाँ पे है, तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास और इधर आ जाएगा ना, तो इस वर्टिकल लाइन से अगर इधर आ गया, इस वर्टिकल लाइन के अगर इधर आ गया, इस वर्टिकल लाइन के सेंटर ऑफ मास अगर इधर आ गया तो तुम थोड़ा सा और टिल्ट करा सकते हो, तो भी रुक सकता है वहां, या वापिस आ सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस वर्ट मतलब तब तक ये टिल्ट नहीं करेगा इधर, जब तक कि सेंटर ऑफ मास उस वर्टिकल लाइन पर ना जाए जो कि इस कॉर्नर से पास कर रहा है, कॉर्नर से पास कर रहा है, कॉर्नर अंडरलाइन है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे गया, तो इसका मतलब एंगल को और बढ़ा सकते हो, इसका मतलब कि जब शैम्पू भरोगे तो एंगल बढ़ना चाहिए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले नीचे आया है, अब इसमें देखो ये सेंटर मास यहाँ पे है, अब फाइनली भी सेंटर मास यहीं पर आया है, और इस केस में सेंटर मास नीचे आया, इसका मतलब हुआ क्या होगा, जब तुम शैम्पू भर रहे हो तो हुआ ये होगा कि पहले सेंटर मास नीचे आया होगा, फिर उसके बाद एक सर्टेन मिनिमम तक आएगा, उसके बाद फिर बढ़ के यहाँ पे आ गया होगा, से शैम्पू भर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे शैम्पू तुम इसमें भरना शुरू करोगे, पहले सेंटर मास इधर आएगा, और बाद में जब शैम्पू थोड़ा और इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, इधर, तो सेंटर मास वापिस आने लगेगा, वापिस तो फिर यहीं पर जाएगा जब फुल हो जाएगा तो। ठीक है, तो फिर थीटा जब सेंटर ऑफ मास वापिस इस पे आएगा तो वही थीटा गेन कर लेगा, इसका मतलब पहले थीटा इंक्रीज किया होगा बाद में डिक्रीज किया होगा, तो पहले थीटा इंक्रीज करेगा, देखो पहले थीटा इंक्रीज किया है, और फिर बाद में क्या हुआ, पहले थीटा इंक्रीज किया बाद में फिर डिक्रीज किया, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल चले गए, अप्रोक्सीमेट इक्वल। ठीक है, डी पार्ट इसके बजाते हैं, ये कह रहा कि एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एसेप्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज दैट ऑफ पर्टिकुलर डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी द डेप्थ इज, कह रहे कि अर्थ है, अर्थ से h दूरी नीचे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है, ठीक है,
वो इस सरफेस से आर दूरी आगे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू के बराबर है। तो बताइए कि अगर इस आर की वैल्यू 10 किलोमीटर है तो इस एच की वैल्यू बताइए। कह रहा है कि अर्थ है सरफेस से एच दूरी नीचे जो फील्ड की वैल्यू है, सरफेस से आर दूरी आगे फील्ड की वैल्यू बराबर है, फिर एच और आर में रिलेशन बताइए। तो क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, इनसाइड पॉइंट होता है जी डैश बराबर जी वन माइनस एच अपन आर, और सरफेस से आर दूरी आगे फील्ड का फॉर्मूला होता है जी वन माइनस टू आर अपन कैपिटल आर, इसको गॉन करता है। तो सरफेस के अंदर इसको गॉन करता है और सरफेस के बाहर इसको गॉन करता है। अब दोनों ही आपस में इक्वल इक्वल है, तो इसको इससे इक्वेट कर दो। जैसे इक्वेट करेंगे इसको इसके साथ, एच की वैल्यू 2 आर आ जाएगी और आर क्या दिया गया 10 किलोमीटर, तो वैल्यू इज 20। ये कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस डेटा फॉर द सेटअप। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, देखो ये मैग्निफिकेशन इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन ग्राफ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस यू के साथ, तो लेंस से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम बराबर एफ अपान एफ माइनस यू एफ प्लस यू। लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपान एफ प्लस यू, इसको इन्वर्ट कर दीजिए तो वन अपान एम बराबर एफ प्लस यू अपान एफ, तो अलग अलग करिए तो वन प्लस यू अपान एफ आएगा। अच्छा ये जो है दैट इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है, और यू कहाँ पे, यू एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ, दैट इज यू इज एक्स एक्सिस पे। तो क्या बन गया, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन बन गया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो व्हाट इज एम, एम इज द स्लोप, एम इज द स्लोप, और स्लोप क्या होगा वन अपान एफ, स्लोप इज वन अपान एफ। अच्छा दिस इज स्लोप, ये मैग्निफिकेशन, दिस इज मैग्निफिकेशन, दिस इज मैग्निफिकेशन बट दिस इज स्लोप, स्ट्रेट लाइन में एम स्लोप होता है ना, कैपिटल एम मान लो भाई इसको, ठीक है। तो ये क्या स्लोप आएगा वन अपान एफ आएगा ना, देखो एक्स का कोफिशियंट स्लोप होता है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट वन अपान एफ है ना, तो वन अपान एफ स्लोप, तो स्लोप किससे आएगा दिस लेंथ अपान दिस लेंथ से आएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये लेंथ किसके बराबर है, देखो ये लेंथ बराबर है 250, माइनस 250 ये 0, तो ये लेंथ 250, और ये लेंथ किसके बराबर है, देखो ये 0 है ये माइनस 1 है, तो दिस इज 1, तो दिस इज 250 अपान 1, तो 250 अपान 1, तो 1 अपान एफ इज 250, तो एफ क्या आएगा 1 अपान 250, इट इज 0.004 मीटर, जो कि बी पार्ट में दिख रहा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या रहा था कि एक हुप है, आप रीड कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये एक हुप है जिसकी हाइट है यहां से 45 मीटर, और इस वाले पर्सन से इसकी दूरी है 25 मीटर। कह रहा है ये पर्सन 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पत्थर को प्रोजेक्ट करता है इस हुप की तरफ, एग्जैक्टली उस हुप की तरफ रखते प्रोजेक्ट करता है। तो उसी जिस वक्त ये पर्सन प्रोजेक्ट करता है उसी वक्त इस हुप को छोड़ दिया जाता है, तो हुप इधर आएगा और ये पर्सन इधर जाएगा। तो कह रहा बताइए सरफेस से कितना दूरी ऊपर, कितना दूरी पर ये पार्टिकल इस हुप से क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो चलो हम लोग क्या पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे इतना दूरी जाने में, ये वाला एंगल मान लिया थीटा है, दिस इस एंगल को थीटा मान लिया, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालेंगे, वो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, देखिए अच्छा टेंथ का किस बराबर होगा, दिस थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ 45 है, देखो 45, और ये 225 है, तो 45 अपॉन 25 इट इज 9/5, तो टेंथ थीटा आ गया 9/5। अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी 24 का cos थीटा, cos थीटा 24 cos थीटा। अब देखो टाइम थीटा किस बराबर 9/5, तो टाइम थीटा इज 9/5, तो ये आएगा √106। तो कॉस थीटा किस बराबर, कॉस थीटा आएगा 5/5, तो 5/5 रख दिया, इससे यूएक्स की वैल्यू इतनी आ गई 24 × 5/5 इतना, दिस इज यूएक्स। अब कितना टाइम लगेगा, अच्छा इसको यहां से यहां तक आते वक्त जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहां से यहां तक आते तो जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो हाफ और ये क्या है 10 के बराबर, हाफ जी टी स्क्वायर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब अच्छा टी यहां से
यहाँ तक आने का टाइम है, वो टाइम मैं इससे निकाल सकता हूँ। देखो कैसा है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा, टाइम रहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 25 डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो 25 को डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इससे डिवाइड कर दिया तो 24 × 5 ये टर्म ऊपर चला गया, आ गया इतना टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो एस आएगा, दिस इज द एस, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u0 एस का हाफ ए 10 और t का स्क्वायर, इसके स्क्वायरिंग कर दिया, आ गया 23। अब ये वैल्यू 23 है, दिस इज 23 और ये 45 है, ती वैल्यू क्या आ गया, 25 में से 23 घटा दो, दैट इज 22। एक और बात, ये पार्टिकल भी ना उतना ही हाइट नीचे गिरता है फ्रीली जितना ये हुप नीचे गिरेगा, ठीक है, इसीलिए दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। देखो ना इस पार्टिकल फॉर्मूला में क्या होता है, इस पार्टिकल फॉर्मूले में क्या लिखते हो, तुम लिखते हो ना एस बराबर ut माइनस हाफ जेड स्क्वायर, वाई डायरेक्शन लिख रहे हो, तो वाई डायरेक्शन में इसको कितना चलना था, इतना चलना था, बट इतना और नीचे गिर गया ना, चलना था इतना बट इतना नीचे गिर गया, तो आ गया इतना, वही है कितना नीचे गिरा, तो इसको चलना, इस पार्टिकल को वाई में चलना था कितना, यहां तक चलना था बट कितना नीचे गिर गया, इतना, दैट इज हाफ जेड स्क्वायर, तो पार्टिकल भी उतना ही डिस्टेंस नीचे गिरेगा और हुप तो उतना ही गिरा, तो दोनों एक साथ निकलेंगे। इसके बाद आता है देखो, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि आप रीड कर लीजिएगा इसको, इसमें क्या रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया, एक ये है डायग्राम, एक डायग्राम में कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ का और यहाँ का एग्जैक्टली सेम है, तो बताइए इस आर की वैल्यू कितनी होगी। तो एक तो तरीका है कि हीट एंड ट्रायल कर लो, अभी आंसर दे देगा इन चार ऑप्शन से, जल्दी आंसर दे देगा, या ये दोनों पैरल हैं, तो पैरल में क्या होता है, आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू लगा दो, पैरल कॉम्बिनेशन, ये भी पैरल है लगा दो, आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू लिख दिया, इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया और इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया, इस दोनों की जगह पे लिख दिया आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू, ये दोनों की जगह पे लिख दिया, ये आर और ये 20 आर सीरीज में है, तो 20 200 प्लस आर, और ये पूरा इससे पैरेलल, तो आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू लिख दिया यहाँ पे, ये वाला 100 यहाँ दिखा दिया, दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब देखो क्या होगा, इस सर्किट में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, पहले करंट निकालना पड़ेगा, इस सर्किट का करंट कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ये 300 और ये इतना 300 प्लस सीरीज में, तो जोड़ दिया, तो ये आ गया टोटल करंट इस सर्किट का, उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इसका पोटेंशियल ड्रॉप, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया इसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस, अब पैरेलल पोटेंशियल इक्वल होता है, तो जो पोटेंशियल इसके साथ वही पोटेंशियल इसके साथ और वही इक्विवेलेंट के साथ, तो जो पूरी वैल्यू आई है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर। फिर वही चीज के लिए, तो इस सर्किट में करंट निकालेंगे, करंट कैसे आएगा, इस सर्किट का जो करंट आएगा, देखिए मैंने लिखा है, दिस इज वोल्टेज 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, ये 10 है और ये इतना है, तो 10 में इतना जोड़ दिया, और फिर इसका वोल्टेज निकालना है, सिर्फ इसका वोल्टेज, तो इसी का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि कह रहा है कि इसका वोल्टेज नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम, इक्वल नहीं कर पाओगे, इससे तुम क्या करोगे, इसका वोल्टेज निकाल लोगे ना, तो आपको वोल्टेज मिलेगा किसका, इसका मिलेगा, इक्वेट हम नहीं कर सकते हो, ये गलत है, ये तो करंट आया बस, दिस वन इज द करंट, इस सर्किट का करंट मिला आपको, ये तो इस सर्किट का करंट आया, इस करंट मैंने क्या किया, मुझे इसका वोल्टेज चाहिए, इसका वोल्टेज, तो ये जो करंट है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो एक तरीका ये है, इसमें क्या करेंगे, इसका करंट मान लो आई वन है, इसका करंट क्या होगा, ये वाला है दैट इज आई, दैट इज आई, इसको आई मान रहा हूँ, तो आई, अब ये दोनों पैरल है, पैरल कॉन्सेप्ट लगा दिए, क्या लिखेंगे, I1 × 200 + R बराबर I × 300, ठीक है, और आई की वैल्यू ये है बेसिकली, दिस वन इज आई, अब इसको अलग कर लो, ठीक है, ये बराबर बेसिकली आई के, इससे तुम्हारा आई वन आ जाएगा, आई वन आ जाएगा आई के टर्म आ जाएगा, आई और आर के टर्म आ जाएगा आई वन, और एक बार आई वन मिल गया तो आई वन इंटू आर करेंगे, तो आई वन इंटू आर करेंगे, तो आई वन में आर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा,
तो इसको इससे इक्वेट करेंगे और आई वन की वैल्यू यहां से निकालेंगे, आई कटे में प्लेस कर देंगे और आई की वैल्यू ये वाला प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी कितनी, 100 आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इस क्वेश्चन को इतना कैलकुलेशन की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी, इसको आप ऑप्शन के हेल्प से कर सकते थे। देखिए कैसे कैसे करते, कैसे रहेगा, जैसे मान लो पहला ऑप्शन है, चेक करने जा रहा हूं, हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर 100 होता, अगर ये 100 होता तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता, 300 इंटू 100 का इक्विवेलेंट निकाल लो, ये कितना आएगा, 300 इंटू 100 डिवाइड बाई R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो आएगा 400, तो जाएगा 0, 300/75 आएगा, तो पूरे इक्विवेलेंट 75 हो गया, ये 75। तो सर्किट कैसे बन गया, सर्किट बन गया इस तरीके से, ये 10 वोल्ट का, ये 75 और ये कितना है, और ये 100 और 200 सीरीज में, इट इज 300। तो जो वोल्टेज आना चाहिए दैट इज 10 डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाई बाई 75। देख रहे क्या कर रहा हूँ, 10 को डिवाइड कर दो नेट रेजिस्टेंस से। मैं सेकेंड अप्रोच यूज कर रहा हूँ, सेकेंड अप्रोच हीट एंड ट्रायल अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आर को 100 मानते हुए पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो 300 ये इतना आ गया ना, तो ये 75 आ गया, इसका इक्विवेलेंट आ गया, और ये 75, ये 200, ये 100, 300, ये 300, ये 75 का सीरीज में, टोटल 375। तो ये करंट कितना आएगा, वो 300 प्लस 75, 375 करंट सर्किट क्या आएगा, करंट आएगा 10 डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 75 आ गया इसका वोल्टेज। इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड हो गए, 75 और 25 एक कम 25, 25 25, तो इट इज 2, 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट आ जाएगा, यही काम इस पे कर लो। ये आर कितना है, आपने कितना माना है, 100 ना, ऑप्शन से चेक करो, अगर ये 100 है, 100 तो 100 और 200 300 बनेगा सीरीज में, तो ये 300 और ये 300 कितना आ गया, मतलब तो इसका इक्वल कितना आ गया, 300, और ये 300 और ये 300 पैरेलल, तो 150 R1 R2 अपन R150, ये 150 और ये 100, 150 और 100 कितना था, 250, इक्वल रेजिस्टेंस 250 आ गया, और ये 10, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इसका जो करंट आएगा दिस इज 10 डिवाइड बाई 250 आ गया। अब ये करंट का आधा वैल्यू इसमें जाएगा, तो ये वाला जो करंट आएगा इसमें वो कितना आएगा, 5/250 आएगा भाई, ये पूरा इक्विवेलेंट 300 है, ये भी 300 है, इधर सारा है 10/250, तो इसमें आधा इसमें आधा, तो इसमें कितना जाएगा, 5/250, अब करंट मिल गया इसका, और रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला रेजिस्टेंस आर 100 है ना, 100 मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 2 आ गया, ये भी 2 है, इसका मतलब 100 इज आंसर। इसके बाद आता है 29, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिस्टैटिक फोर्स का रेशियो पूछ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो जी एम ई एम ई अपन आर स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पे, और के होता है 19.9 क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो आर से आर कटेगा तो बनेगा जी एम ई स्क्वायर अपन ये ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू प्लेस कर दो, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ प्लेस कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, जी की वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर मिलेगा इतना। इसके बाद आता है 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसमें एक लाइट रे जैसे आ रही है, फिर एक बार इस पे टक्कर कर रही है, एक बार इस पे टक्कर कर रही है, एक बार इस पे टक्कर कर रही है, फिर इससे बाहर निकल रही है, तो बताइए इस थीटा आई की वैल्यू किस वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए कि इसमें भी एक ही बार टकरा है, इसमें भी एक ही बार टकरा है, इसमें भी एक ही बार टकरा है, और फिर इससे बाहर निकल जाए। देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक डायग्राम बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए। देखिए स्क्वायर है ना, तो मान लीजिए इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक। अच्छा इसको हम एक बड़े से डायग्राम पे आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए, या फिर यहीं पे देख लीजिए, ठीक है, ये इसको आगे की ओर बढ़ा दिए, तो दिस एंगल इज थीटा आई, ये ना थीटा आई है, दिस इज द थीटा आई, देखिए दिस इज थीटा आई, दिस इज थीटा आई, इसको थीटा आई दिखाएंगे, ठीक है। अब ये थीटा आई आ गया, तो ये भी क्या एंगल आएगा, थीटा आई आएगा,
अच्छा इसको अगर आयु को बढ़ा दो तो ये 90 है, तो ये क्या आएगा 90 माइनस 8 आएगा। इसको आई लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई लिख लो, बाद में आई को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस एंगल को आई मान लिया, ये भी एंगल क्या आएगा, आई आएगा। क्यों भाई, आमने सामने एंगल है ना, ये एंगल आमने सामने क्या है, तो आई, और ये 90 है, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस आई, तो दिस इज 90 माइनस आई। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो एंगल ये वह एंगल ये बनेगा, ऐसे जा रही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो ये बनेगा 90 माइनस आई। अगर मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ इस पर, देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी 90 बनेगा, तो एंगल क्या आएगा आई, ये भी एंगल क्या बनना चाहिए आई। तो सिमिलरली इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या बनेगा 90 माइनस आई, ये भी क्या बनेगा 90 माइनस आई। जब इसका आगे बढ़ाओगे ये 90 बन गया, ये 90 माइनस आई है, ये भी क्या बन गया आई। इसको मतलब पता क्या आ गया, ये पूरा एंगल 2i है, ये भी पूरा एंगल 2i है, ये पूरा एंगल 180 माइनस 2i है, ये भी 180 माइनस 2i है। इसका मतलब ये ना पैरलोग्राम बन गया, पैरलोग्राम मतलब इस इनक्लोजर से बाहर निकलने के लिए अंदर एक पैरलोग्राम बनना चाहिए, तभी जाके बाहर निकल पाएगा पैरलोग्राम। अब चलो मान लो इस दूरी को x मान लिया, x मान लिया, तो ये दूरी कितनी होगी, दैट इज a माइनस x। अगर स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा a माइनस x। अच्छा अगर ये वाला एंगल i है, ये भी एंगल क्या आएगा, दैट इज i, दैट इज i, ये आई है तो भी आई बनेगा। अगर ये एक्स है तो ये क्या बनेगा, एक्स कॉट आई, दिस इज एक्स कॉट आई, एक्स कॉट आई बनेगा, बनेगा गुड। अच्छा बताओ तब ये कितना बनेगा, ये दूरी कितनी बनेगी, दिस डिस्टेंसेस, ये बनेगी ए में से, ये पूरी दूरी ए है ना, दिस होल डिस्टेंस इज ए। अगर ये पूरी दूरी ए है तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए माइनस एक्स कॉट आई, दिखाएंगे यहाँ तक। अच्छा ये एंगल क्या आएगा, दैट इज आई, आई बनेगा ना, देखो आई, क्योंकि 90 माइनस आई है तो आई बनेगा। अच्छा ये एक्स, ए माइनस एक्स कॉट आई है, तो ये दूरी कितनी बनेगी, ये जो दूरी बनेगी, दिस वन इज ए माइनस एक्स कॉट आई का 10 आई बनेगा, 10 आई। भाई एंगल के सामने 10 कहलाता है ना, तो इसका ये 10 बनेगा। ओके अच्छा ये a माइनस एक्स है और ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, देखो ये आई तो ये आई, तो ये a माइनस एक्स है, तो ये क्या बनेगा, ये दूरी बनेगी a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स का कॉट आई बनेगा, बनेगा। अब कोई पूछे आपसे कि बताइए ये दूरी कितनी बनेगी, ये दूरी कितनी बनेगी, तो ये a में से घटाना पड़ेगा ना, a में से आपको ये दूरी घटानी पड़ेगी, इस दूरी को घटाना पड़ेगा, दैट इज ए माइनस एक्स कॉट आई। अच्छा तब ये दूरी कितनी बनेगी, तो ये एंगल कितना, दैट इज आई, एंगल आई है ना, तो अगर ये एंगल आई है, आई है तो इसका ये 10i बनेगा, इस पूरे लेंथ का ये 10i बनेगा, और इसको इसमें जोड़ोगे तो ए आना चाहिए, ये पूरा लेंथ ए आना चाहिए, तो ये लेंथ कितना है, इसके इधर भेज दो, ये क्या बनेगा, ए 10i बनेगा, ये 10i बनेगा। ठीक है तो ये कितना आएगा, देखो तो ये क्या है, दिस डिस्टेंस इज ए 10i लिख दिया, और ये कॉट आई 10i 1 हो जाएगा, तो दिस माइनस एक्स, ये बन गया इतना, प्लस प्लस ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का 10i लगेगा इस पे, तो ये जो डिस्टेंस बनना चाहिए, दिस डिस्टेंस इस पूरे का 10i, और इसको इसमें जोड़ दोगे तो पूरा ए आना चाहिए, तो ये 10i इधर भेज दो तो बनेगा ए 10i, दैट इज ए 10i बनेगा माइनस, और ये 10i इस कॉट आई के साथ 1 बना देगा, तो ये क्या है माइनस ए, और ये प्लस एक्स बनेगा, नहीं तो बनेगा माइनस ए प्लस एक्स, बराबर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, होल डिस्टेंस इज ए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा ये माइनस एक्स इस एक्स को कट कर देगा, और ये 10i ये 10i मिलकर 2 10i हो जाएंगे, तो 2a 10i इज इक्वल टू ये माइनस ए इस ए को मिला के 2a बना देगा। वट इज 10i, देन 10i इज 1, देन वट इज i, दैट इज 45 डिग्री, और इसी को हमने i माना था। इसका मतलब इस इंक्लोजर से, इस इंक्लोजर से ये रेस तभी बाहर निकल पाएगी
जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 40, ये वाला इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ओके अगर ये स्क्वायर है, ओके अब इसका हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर पार्ट टू का है, इसमें कह रहा है कि चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग एल शेप सीट एज शोन इन द फिगर। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू, इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है। इसमें हम लोग मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट है कि इसका इमेज इससे बनाएंगे, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बनेगा, एंड दैट इज माइनस क्यू। इस पॉजिटिव चार्ज का इमेज माइनस क्यू दिखाएंगे। सिमिलरली इसका जो इमेज यहां बनेगा दैट इज माइनस क्यू। इस पॉजिटिव चार्ज का इमेज इस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये भी दूरी डी होगी। फिर इस मिरर को हम एक्सटेंडेड करते हैं और इस एक्सटेंडेड मिरर में हम इसका इमेज बनाते हैं, इसका जो कि आएगा यहां पर। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिस्टेट में पढ़ाया जाता है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका इमेज जब बनाओगे आप इसमें इस मिरर में, तो वो इसी के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। तो दो पार्ट मतलब मिरर में तीन इमेज बनते हैं, दो ये होता है ये होता है। इसका डायरेक्ट इमेज यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, बट इनका इमेज इस वाले मिरर को एक्सटेंड करने के बाद, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। अब फोर्स की बात करेंगे और ये डिस्टेंस डी के ही बराबर होगा। अब इस वाले पे ये जो फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d का स्क्वायर। ये d और d है ना, तो 2d का होल स्क्वायर, इट इज 4d स्क्वायर। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इसको नीचे को अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स क्या बनेगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d का स्क्वायर। और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा कि 45 डिग्री एंगल पाएगा, एंड दैट इज के क्यू स्क्वायर अपान 8d स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा ये, क्योंकि ये d है, सॉरी ये यहां से लेके यहां तक 2d है ना, ये पूरा 2d है, ये भी पूरा 2d है, तो ये दूरी क्या आएगी 2d, 2√2d आएगी, 2√2d, ये 2d ये 2d, तो ये क्या बनेगा 2√2d, ये 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपान इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का क्या होगा 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। तो यहां से 4 यहां से 4, तो 8 आ गया ना। अब देखो दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब जो नेट फोर्स आएगा टुवर्ड द ओ, इस ओ की तरफ जो नेट फोर्स आएगा, इस ओ की तरफ जो नेट फोर्स आएगा, वो इस फोर्स में से इसको घटाना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, उसमें से घटा दीजिए, तो बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। और इसका इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका इसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स आएगा, क्योंकि ये बराबर है, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स, और बनेगा इधर √2 टाइम्स इधर बनेगा, उसमें से घटा दीजिए इस फोर्स को, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपन 8d स्क्वायर। अरे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो सही बात है। जो नेट फोर्स होना चाहिए ओ की तरफ होना चाहिए, ओ की तरफ होना चाहिए। और ये जो वैल्यू आएगी वो 32 के टर्म में इसलिए कन्वर्ट कर देगा 32 के टर्म में, क्योंकि के को प्लेस कर देना, कितना के को प्लेस कर देना 1/4πε0 आंसर जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है 67 नंबर में, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। रीड करने के बाद पॉज करके देख लीजिए, मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कह रहे कि बॉल एक, ये एक पॉइंट एक्स है, एक वेज यहाँ पे ऐसे है, एक वेज ग्राउंड पे ऐसे है। अब इस पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, तो ये पार्टिकल ऐसे पहुंचेगा एक्स पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो ये यहाँ पे एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट एक्स बना दिया, और इसी के सामने एक ऐसे बना दिया जिसका हाइट एच है, नहीं एक ऐसे वेज बना दिया, और सरफेस से एस दूरी ऊपर एक और वेज ऐसे बना दिया। तो एक पार्टिकल ए को यहां से छोड़ते हैं, तो ऐसे होकर हॉरिजॉन्टली ऐसे आएगा, फिर ऐसे वाकई आगे गिरेगा, पहुंचता है एक्स पे। एक्स के सामने सीधे सी है जो कि एच दूरी ऊपर है, डायग्राम में दिख रहा होगा, रिलीज किया एक्स पहुंचा, और इसको ग्राउंड सी ऐसे ऐसे पहुंचा। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये इस तरीके से पहुंचता है ऐसे, ठीक है, बी ऐसे पहुंचता है,
सी ऐसे बसता है, ये वाला ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के इस तरीके से ऐसे बसता है। कह रहा है कि अगर इसका टाइम टी ए है, इसका टी बी है, इसका टी सी है, तो तीनों में रिलेशन बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पार्टिकल ए और पार्टिकल सी की बात करते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पाएगा तो इसकी वेलोसिटी यू हो जाएगी, और जब बी यहाँ पाएगा तो इसकी भी स्पीड यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम है, ये दोनों हाइट सेम है, तो ये भी यू, ये भी यू। अब इस पार्टिकल का देखना, इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, और सी की भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है भाई, ए की भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, सी की भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। तो सी को यहां से यहां तक जाने में और इस ए को यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक आने में टाइम सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो अगर हम ए और सी पे इक्वेशन लिखे वाई डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? वाई में डिस्प्लेसमेंट एच है एंड हाफ जी टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है वाई के मोशन से, तो टाइम सेम लगेगा ना। इसका मतलब टी ए और टी सी विल बी सेम, टी ए टी सी विल बी सेम। तो अब क्या लिखेंगे? टी ए एंड टी सी विल बी सेम। इसलिए दूसरा, अब हम बात करेंगे ए और बी पे कंपेयर करेंगे, ए और बी का कंपेयर करेंगे। इसमें क्या देखना, ए जो है, ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, और इस बी की भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, ये स्पीड तो दोनों की सेम है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका ए का भी इतना ही दूरी है, और इस बी का भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उतना ही दूरी है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का इक्वल है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल है और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो टाइम भी तो सेम लगेगा। वो टाइम कितना लगेगा? दैट टाइम इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मोशन, इसके हॉरिजॉन्टल मोशन में जी का असर नहीं पड़ने वाला और इसके हॉरिजॉन्टल मोशन में भी जी का असर नहीं पड़ने वाला, तो दोनों का टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? टी ए बराबर टीवी। तो यहां से टी बराबर टी सी, यहां से टी बराबर टीवी, तो सब इक्वल कर दे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या रहा है? ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें करने की एक कन्वर्जिंग लेंस है, और इसमें डॉट्स हैं, रेड डॉट है, ग्रीन डॉट है, व्हाइट डॉट है, ब्लू डॉट है, फोर डॉट है। रेड और ग्रीन डॉट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और व्हाइट और ब्लू डॉट इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो रेड और ग्रीन डॉट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और व्हाइट और ब्लू डॉट इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखो एक लेंस कंजेक्ट थ्योरम होता है कि अगर तुम इधर मूव कर रहे हो तो इसका इमेज भी उधर ही मूव करता है। रिफ्रैक्शन की खासियत है कि जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है, इमेज भी उधर मूव करता है। इसका मतलब कि अगर रेड यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे है, तो इस दोनों स्क्रीन पे इस तरह के कंडीशन होंगे, मतलब इस पे रेड आना चाहिए, इस पे ब्लू जाना चाहिए। और देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है रेड, तो रियल इमेज बनना है इस स्क्रीन पे, तो नीचे बनेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो रेड नीचे आएगा, इस पे ग्रीन भी नीचे आएगा, और वो इसी स्क्रीन पे आएंगे, रेड और ग्रीन दोनों इसी स्क्रीन पे आएंगे। और रेड तो ठीक है, आगे वाले स्क्रीन पर रेड और ग्रीन होना चाहिए, तो रेड और ग्रीन देखो इसी स्क्रीन पे दिख रहा है, रेड और ग्रीन, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं, इसमें भी दिख रहा है, देखो रेड और ग्रीन इसमें दिख रहा है। अब इसमें रेड रेड आपको इधर दिख रहा है और इसमें रेड इधर दिख रहा है, अब दोनों में से चेक करना हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखो तो रेड और ग्रीन इस पे होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड पे रेड है, तो जो इमेज बनेगा रियल इमेज तो इस साइड बनेगा, तो रेड इधर होगा और ग्रीन इधर है, तो इमेज बनेगा तो ग्रीन इधर आ जाएगा, इधर अपने साइड में आ जाएगा, तो ग्रीन अपने साइड में होगा और रेड उठ साइड में होगा, तो ग्रीन रेड उठ साइड में होगा, तो रेड इस साइड में होगा, ग्रीन अपने साइड में होगा। देखो ये यहाँ पे कट मार रहा है ना, तो रेड अंदर को दिखा रहा है और ग्रीन बाहर को दिखा रहा है, तो ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन का मैं रीड कर लिया होगा, कह रहे हैं कि इसमें 40 क्वाइन है, तो 3 सेंटीमीटर पार्ट डूबा हुआ है, और ये प्लास्टिक का बैग है, मासलेस प्लास्टिक है, टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर है। इस पे एन क्वाइल रख देते हैं तो इसका पूरा इक्विलिब्रियम स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है, तो बताइए कितना रखें ताकि स्टेबल से अनस्टेबल हो जाए, और इसके लिए दोनों का कौन साइड होना चाहिए अबव द सेंटर ऑफ मास। तो जस्ट
जस्ट इक्विलिब्रियम पे इक्वालिटी लग जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास होना चाहिए समबर्स पार्ट का वो इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो इसमें 40 कॉइन है, तो इनिशियली क्या लिखोगे, इनिशियली इक्वेशन लिखोगे तुम 40 mg, एक कॉइन का मास मान लो m है, तो 40 mg इज बैलेंस बाई बायंसी फोर्स, तो बायंसी फोर्स क्या होगा, 0g, तो वॉल्यूम क्या होगा, 3 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया वी रो इंटू जी, क्वेश्चन नंबर वन। इसके बाद इसके ऊपर तुमने n कॉइल प्लेस कर दिया, तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास इसका हो जाएगा n+40m, n+40 mg टोटल मास हो जाएगा। और अब मान लो l लेंथ इसका समर्ज हुआ, जब n को n आपने रख दिया तो टोटल l लेंथ समर्ज हुआ, l लेंथ समर्ज हुआ, तो कितना हो जाएगा, l इंटू ए वॉल्यूम वी रो इंटू जी, क्वेश्चन नंबर टू, डिवाइड कर दो, तो n+40 डिवाइड बाई n+40 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू, इसको इसे डिवाइड किया l/3, क्वेश्चन नंबर वन। इसके बाद अब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, दोनों का सेंटर ऑफ मास कौन सा ऐड कर, मतलब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो, और ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सबमर्स पार्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होना चाहिए वो कौन सा ऐड करना चाहिए। तो अगर ये दूरी एल है तो सबमर्स पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, l/2 दूरी पे ना, अगर एल दूरी तक सबमर्ज है तो सेंटर ऑफ मास l/2 दूरी पर होना चाहिए। तो l/2 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, इस सेंटर मास किसका निकालते हैं, एम कैसे निकलता है, m1x1 + m2x2 / m1 + m2, तो इसका मास क्या होगा, nm, तो nm इंटू इसकी दूरी 9 है ना, तो क्या लिखेंगे, nm इंटू 9 प्लस इसका मास है 40 इंटू m, बट इसका दूरी इसी बेस से दैट विल बी 0, तो आ जाएगा 0, एंड डिवाइड बाई टोटल मास, तो टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास इज n+40 m, n+40 m, तो m से m कट जाएगा, तो इसी से l की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज l, l की वैल्यू आएगी 18 n अपान n+40, इतना आएगा। इस वैल्यू को उठा के तुम, इस वैल्यू को उठा के तुम यहां पर रख दो यहां पे, तो ये कितना आएगा, n+40 / 40 इज इक्वल टू, बाई थ्री करोगे यहां पे, जब थ्री लाओगे यहां पे थ्री लाओगे तो 6n/n+40 बनेगा, तो 6n/n+40 बनेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको, तो ये कितना बनेगा, n+40² = 2, तो n+40² = 240 n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अप्रोक्सीमेट, जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम पाओगे कि अप्रोक्सीमेट 10 पे होल्ड कर जाएगा, अप्रोक्सीमेट 10 पे होल्ड करेगा, पूछा नियरेस्ट पूछा, क्लोज टू, तो देखो 10 रखे, देखो इसमें 10 रखोगे तो क्या आएगा, 50 का स्क्वायर 250 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 50 के स्क्वायर 2500, 2500 बनेगा, ये 2400 बनेगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल जाएगा। 6 रखोगे तो बहुत ज्यादा डेविएशन आ जाएगा, 16 पे और डेविएशन आएगा, 24 पे और डेविएशन आएगा, तो आंसर इज 10। इसके बाद आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है देखिए, ठीक है देखिए, इसमें इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इसमें एक ऑब्जर्वर है जो कि इसके बेस के सेंटर से 1.5 मीटर की दूरी पे है, और उस पर्सन की हाइट जो एच है यहाँ से, दैट इज इतना, इस वाटर प्रूफ इंडेक्स 1.33 है, कह रहा है कितने समय बाद इस सेंटर पे अगर क्वाइन होगा वो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसके लिए क्या करना होगा, बेसिकली ये जो एंड है ना, पहली बार रेस इसी से इसके आग तक पहुंचनी चाहिए, दैट इज, और इस डायग्राम को मैं दूसरे पेज से बनाता हूँ, देखिए देखिए ये क्वाइन है, इसमें पानी भर दिया गया, पानी एच हाइट तक भरा हुआ है, मान लीजिए मैंने अपने पास से पानी को स्मॉल एच हाइट तक भर दिया, और कहा है कि इसके बाद इस पर्सन को ये क्वाइन दिखेगा, तो रेज कैसे जाएगी, रेज ऐसे निकलेगी, फिर ये जो टॉप एंड है ना, ये जो टॉप एंड है इसको टच करते हुए आपको पूछेगी, पहली बार जो दिखाई देगा इसको वो इसी रेज के करस्पॉन्डिंग दिखाई देगा जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पढ़ा जाता है, एच सी वर्मा क्वेश्चन। तो ये रेज ऐसे जाएगी,
फिर इस तरीके से होके जाएगी, हमारे मॉड्यूल में भी है, रुको। तो यहां से जो रे जाएगी, यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस एज को टच करते हुए ऐसे जाएगी, और ऐसे वाला क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में भी है, और इसी का स्पैंडिंग इस ऑब्जर्वर को ये क्वाइन पहली बार दिखेगा। तो देखो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां लगाएंगे स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, तो दैट इज साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इसके रिस्पेक्ट में। तो ये तो रेरर है, ये डेंसर है, और ये 1.33 को तुम क्या बोल सकते हो, इट इज 4/3। तो ये वैल्यू हो जाएगी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो दिस डिवाइड बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, दैट इज 4/3, तो हो जाएगा 1/4/3, इट इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखना इसके लिए मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, सुनते रहना। और ये सेंटर है, ये दूरी कितना दिया गया, दैट इज 1 मीटर रेडियस, ये दूरी क्या है 0.5 मीटर। तो मुझे बताओ अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो ये एंगल क्या बनेगा, दिस एंगल इज अगेन आर, दिस एंगल इज अगेन आर। अब इस ट्रेंगल की बात करेंगे, इस ट्रेंगल में क्या लिखेंगे, इस ट्रेंगल में लिखेंगे हम लोग 10 आर इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। अच्छा ये पूरा लेंथ को कितना दिया गया, कैपिटल एच है, पूरा लेंथ कैपिटल एच है, और ये लेंथ डी है, ये लेंथ डी है। तो कोई पूछे कि ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी, दैट इज कैपिटल एच में से पूरी दूरी में से इस दूरी को घटाना पड़ेगा। तो कैपिटल एच इतना है और ये डी कितना है 4, तो इसमें से 4 घटा दो तो कितना आएगा 1.75, तो दिस इज 1.75। तो इस ट्रेंगल में क्या लिखेंगे, 10 आर बराबर 0.5 अपॉन दिस, तो 10 आर इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 1.75। अच्छा यहां से आर मिल जाएगा तो साइन आर आ जाएगा, तो साइन आई आ जाएगा, तो आई की वैल्यू मिल गई। अब आई आ गई तो अब इस ट्रेंगल लिखना पड़ेगा, हमें इस ट्रेंगल लिखना पड़ेगा 10 आई इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ अब मुझे इस दूरी निकालना पड़ेगा, ये दूरी मान लो ये दूरी एक्स के बराबर है, दिस वन इज द एक्स, ये डिस्टेंस एक्स के बराबर है, तो इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में ये भी तो एंगल आर के बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा, तो 10 आर क्या लिखोगे, 10 आर इज इक्वल टू, 10 आर इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ एक्स है, ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल एच में से, नहीं इस डी में से मुझे इस स्मॉल एच घटाना पड़ेगा, तब तो ये दूरी आएगी, ये दूरी आएगी, तो 10 आर बराबर एक्स एक्स अपॉन ये दूरी बनी थी डी, डी कितनी थी 4 मीटर, में से एच घटा दो तो 4 माइनस एच। क्वेश्चन नंबर 1, एच आएगा ना तो आंसर आएगा, एच को लाने के लिए एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स के लिए मुझे इस ट्रेंगल खेलना पड़ेगा, इस ट्रेंगल खेलना पड़ेगा, इस ट्रेंगल में लिखेंगे 10 आई बराबर, 10 आई इज इक्वल टू 10 आई बराबर दिस लेंथ। ये लेंथ कितना होगा, अगर ये 1 मीटर है और ये एक्स है तो बनेगा 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई भाई, ये दूरी कितनी है, दैट इज एच एच। तो मुझे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से 10 आर में साइन आर आ जाएगा, साइन आर प्लेस करेंगे तो साइन आई आ जाएगा, साइन आई से 10 आई निकालेंगे, 10 आई इसमें प्लेस कर देंगे, जब 10 आई इसमें प्लेस करेंगे वैल्यू को, तो एक्स एच का एक सोल्यूशन मिल गया, और एक एक्स और एच का यहां सोल्यूशन मिल गया, तो दो इक्वेशन दोनों बन गया। यहां से एक्स निकाल के इस वाले एक्स में रख देना, एच की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी, और एक बार एच मिल गया कि कितना पानी भरा जाएगा, तो एच मिल गया ना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा, टाइम इज टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एच इंटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पानी का वॉल्यूम क्या आ गया पाई इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई, पानी किस रेट से इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है दैट इज 0.1, तो 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, इतना सेकेंड का टाइम लगेगा, दिस इज आंसर। ओके तो इस तरीके से हमने आपको केबीपीवाई का पेपर सॉल्व किया 11th का, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 12th के पेपर का सोल्यूशन। ओके थैंक यू।